हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, ये साल का हमारा आखिरी वीडियो होने वाला है, तो पूरी वीडियो एंड तक देखिए, अपडेट्स का मजा लीजिए और लाइक करते हुए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। तो गाइस, यहाँ पहली अपडेट आई है सैमसंग गैलेक्सी Z Flip को लेके। वहाँ पे दोस्तों आपको एंड्रॉइड 11 का अपडेट आ चुका है, तो डेफिनेटली अगर आप यूजर हैं तो डाउनलोड जरूर से करिए। वहीं अगली न्यूज आई है दोस्तों वर्चुअल पार्टी को लेके, क्योंकि कई जगह पे दोस्तों अभी कर्फ्यू वगैरह नाइट कर्फ्यू लग गया है, तो डेफिनेटली गूगल, फेसबुक या फिर बहुत सारी जूम मीटिंग्स वगैरह बहुत जगह में दोस्तों पार्टी ऑर्गेनाइज हुई जा रही है, और डेफिनेटली आप लोग भी वैसे करके अपना मजा ले सकते हैं फर्स्ट नाइट को। अगली न्यूज़ आई है दोस्तों वीवो Y20A को लेके। यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा, वो लोग वगैरह कुछ कुछ सामने आया है। अगली न्यूज़ आई है दोस्तों वन प्लस की तरफ से। अभी एक और आपको बहुत ही बड़ी न्यूज़ वन प्लस की तरफ से प्रोवाइड की गई है। जैसे कि हमें पता है कि वन प्लस के स्मार्ट वॉच वगैरह वन प्लस 9 के साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे वन प्लस ने ऑफिशियली अब बताया है कि आपको उससे पहले एक सस्ता सा फिट बैंड वन प्लस की तरफ से एक स्मार्ट बैंड देखने को मिलने वाला है, जो अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों $40 का अप्रॉक्सीमेटली अभी ऐसा पता चला ही होने वाला है। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 3,000-3,500 तक में आपको इंडिया में लॉन्च होता हुआ देख सकते हैं। अब अगली न्यूज आई है दोस्तों एसस की तरफ से, एक नया लैपटॉप 13 इंच का आने वाला है दोस्तों i5 के साथ 2021 में, तो डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट। अगली न्यूज आई दोस्तों Xiaomi के Mi 11 Pro को लेके। ऐसा बताया जा रहा है कि फरवरी की 2021 में ये लॉन्च हो जाएगा, और स्क्रीन वगैरह के बारे भी ऐसा पता चला है कि डेफिनेटली बिल्कुल सिमिलर स्क्रीन हो सकती है। अगली अपडेट के बारे बात करें, यहाँ वन प्लस की तरफ से नया अपडेट आ चुका है OnePlus Nord OnePlus 8T को लेके, तो डेफिनेटली आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अगली अपडेट के बारे बात करें, IQ7 दोस्तों Antutu स्कोर के साथ यहाँ पे लिस्ट हुआ है, 752 के इसका Antutu स्कोर सामने है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे ऐसा बताया गया है, ये BMW एडिशन काफी ज्यादा धमाल मचाने वाला है, डेफिनेटली इसके बारे भी आपको बहुत जल्दी हम अपडेट दे देंगे। दोस्तों यहाँ मोटरोला की तरफ से न्यूज आई है, मोटरोला न्यू स्नैपड्रैगन 865 के साथ यहाँ Geekbench पे लिस्ट हुआ है, तो ये भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अगली न्यूज आई दोस्तों रियलमी की V15 का कोई को लेके। दोस्तों यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह लीक हुए हैं, जिसकी स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर होगा। अगली न्यूज आई दोस्तों एप्पल की तरफ से, यहाँ पे एप्पल एयरपॉड्स प्रो 2 में दोस्तों आपको साइजेस वगैरह का ऑप्शन देखने को। अगली न्यूज आई दोस्तों अमेजोन की तरफ से, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम अमेजोन लॉन्च करने वाला है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है कंप्यूटर वगैरह को लेके, तो डेफिनेटली दोस्तों आप उसको चेक कर सकते हैं। अगली न्यूज आई दोस्तों रियलमी की तरफ से, रियलमी की 32 इंच की एक नई स्मार्ट टीवी आने वाली है। लिस्टिंग में कुछ इतना ही कुछ पता चला कि 80 सेंटीमीटर यानी कि 32 इंचेस की टीवी है। वैसे दोस्तों इसी टीवी के बारे में अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं, तो ऐसा पता चल रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 13,000 तक प्राइसिंग हो सकती है, बट डेफिनेटली इसका एक लीक वीडियो लेके जैसे कुछ पता चलेगा कंफर्म बनाएंगे दोस्तों, तब आप चेक कर सकते हैं। वैसे आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइज़।